जहां एक तरफ पूरा उत्तर भारत कोहरे और ठंड का प्रकोप झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की देवभूमि कहे जाने वाले ऋषिकेश में 9 मार्च की पहली सुबह सूरज की खिलखिलाती किरणों के साथ हुई। ऋषिकेश में विदेशी व देश के अलग अलग अन्य राज्यों से आए पर्यटक साल का पहला दिन देवभूमि में दोस्तों व परिवारों के साथ मनाने आए। दिन के समय पर्यटकों की इतनी भीड़ हो गई कि लक्ष्मण झूला में पैदल चलने के लिए भी जाम लग गया। इसकी वजह दोपहिया वाहनों की आवाजाही और पर्यटकों के सेल्फी व फैमिली फोटो लेने के चक्कर में हुई। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लक्ष्मण झूला पूरी तरह जाम हो गया, परंतु इसके बावजूद भी पर्यटकों ने पूरी जोश और हर्षोल्लास के साथ नववर्ष का पहला दिन मनाया और रिवर राफ्टिंग मोटरबोट में बैठकर मां गंगा की सैर की और लुफ्त उठाया।